हाय दोस्तों, मैं बबलू आपका स्वागत करता हूँ जेएसएम कारपेंटर में। हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्फेयर लोगो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप कोरल ड्रॉ ओपन कर लें। आप पेज का साइज़ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक सर्कल क्रिएट करें। सर्कल क्रिएट करने के बाद फाउंड फिल टूल के ऊपर क्लिक करें और फाउंटेन फिल टूल के ऊपर प्रेस करने के बाद आपको एक ऑप्शन ओपन होगा। उसके बाद आप टाइप्स में जाकर रेडियल सेलेक्ट कर लें। फिर कस्टम में जाकर अपने अकॉर्डिंग आप उसका साइज कलर फिल कर सकते हैं और आप इसका एंगल भी सेट कर सकते हैं। एंगल सेट करने के बाद आप इसको ओके प्रेस करें और ओनली जी बटन प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन ओपन होगा। उसके बाद इस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। आपको किस टाइप किस अकॉर्डिंग फाउंटेन फील का शेप रखना है, मीन कलर को अरेंज करना है। फाउंटेन फील का कलर अरेंज करने के बाद फिर उसके बाद एक सर्कल क्रिएट करें। सर्कल क्रिएट करने के बाद छोटे सर्कल को सेलेक्ट कर क्लिक करके बड़े सर्कल को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद बटन से ई और सी प्रेस करें। उसके चीज़ सेंटर में आ जाएगा। फिर आप उसके अंदर कलर फिल कर लीजिए और उस शेप का कॉपी ले लीजिए। कॉपी लेने के बाद उसे साइज क्रिएट करें अपने अकॉर्डिंग। दूसरा सर्कल क्रिएट करें। फिर उसको थोड़ा सा बड़ा साइज ले लें। फिर कंट्रोल पेज डाउन से उस शेप को पेज डाउन कर लें। फिर एक और शेप कॉपी लें फाउंटेन फील में जाके अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दें रेडियल करके। फिर इसे ट्रांसपेरेंट कर दें अपने अकॉर्डिंग। ट्रांसपेरेंट करने के बाद दूसरे शेप के ऊपर क्लिक करें, उसके अंदर कलर फिल कर लें। फिर कस्टम पर जाकर उसको अरेंज करें। आपको किस अकॉर्डिंग उसका कलर फिल करना है। फिर कलर नन कलर के ऊपर जाकर राइट क्लिक करके आउटलाइन नन कर दें। फिर सेंटर शेप के ऊपर क्लिक करें और फाउंटेन फील के अंदर जाएं। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसका कलर मैनेज करें। बटन प्रेस करने के बाद ऑप्शन क्रिएट होगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर सकते हैं कि आपको कितने कौन सी जगह पर आपको कलर फील करना है। फिर पूरे शेप को सेलेक्ट करके उसकी साइज़ को इंक्रीज कर दें, साइज़ को छोटा कर दें। फिर स्क्वायर टूल के ऊपर डबल क्लिक करें तो जितने दूर का पेज है उतना पेज साइज का शेप ओपन हो जाएगा। फिर उस शेप के अंदर कलर फिल कर दें आप अपने अकॉर्डिंग। फिर पूरे शेप को सेलेक्ट करके स्फीयर शेप को सेलेक्ट करके उसे
कंट्रोल जी प्रेस करें। इससे होगा कि स्फीयर लोगो ग्रुप हो जाएगा। फिर सेट ग्रुप हो जाने के बाद इसे शैडो दे दें नीचे से। फिर कलर पूरे शेप को सेलेक्ट कर लें। पूरे शेप को सेलेक्ट करने के बाद ई और सी प्रेस करें। फिर आप टेक्स्ट टाइप करें। फिर उसके अंदर शैडो डाल दें। शैडो डालने के बाद इसे ऐड करके वाइट कलर फिल कर दें। वाइट कलर फिल करने के बाद इसको ऐड कर दें। फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। फिर कंट्रोल के प्रेस करें। फिर टेक्स्ट को कंट्रोल प्रेस करते हुए टेक्स्ट को ऊपर ले जाके छोड़ दें। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप कलर फिल कर दें। और आपका स्फीयर लोगो तैयार हो चुका है। हाय दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।